तो आज के समय में ना अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए जिसका गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच हो, तो आपके मन में एक ही चीज होगा कि आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल पाएगा। जैसे कि यहाँ पे वन प्लस है, सैमसंग का फ्लैगशिप है, आईफोन है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ तो गेमिंग स्मार्टफोन भी है, जैसे कि असूस का आरओजी फोन 2 हो गया, शाओमी का ब्लैक शार्क, एंड दोस्तों साथ ही साथ नुबिया रेड मैजिक 2। वेल, इन सारी गेमिंग स्मार्टफोन का कीमत ना 50 से लेके 1 लाख तक हो जाता है, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 15 से लेके 20,000 के अंदर में कौन सा फोन में सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सो अगर आपका बजट हो टाइट और साथ ही साथ अगर आप भी हो गेमिंग लवर मेरे जैसा, सो इस वीडियो को कर दो एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला ऑप्शन है इस प्राइस पॉइंट पे सैमसंग M30s, जिसमें आपको एक्सिनियोस 9611 के साथ 6000mAh का बैटरी मिल जाता है, और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप पबजी खेलते हो तो एक्सट्रीम फ्रेम रेट के साथ आप पबजी खेल सकते हो, यानी कि आपको 60fps का फ्रेम रेट मिलेगा इस फोन के ऊपर। दोस्तों साथ ही साथ बैटरी भी काफी जबरदस्त है, तो आपको अराउंड 7 से लेकर 8 घंटा आराम से चल जाएगा गेम खेलने के टाइम। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो पोको F1। हाँ, ये थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है, लेकिन स्टिल ये फोन स्नैपड्रैगन 845 के साथ गेमिंग के लिए बीस्ट है अभी भी, तो इसमें बैटरी भी अच्छा मिल जाता है, 7 से लेकर 8 घंटा आराम से दे देगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो वीवो Z1 Pro या तो फिर Z1X, कोई भी फोन ले सकते हो। दोनों फोन में ही आपको 712 स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ मिलता है, फर्क बस इतना ही है दोनों फोन में। वीवो Z1 Pro में आपको IPS LCD डिस्प्ले के साथ 5000mAh का बैटरी मिलता है, Z1X में आपको AMOLED डिस्प्ले एंड 4500mAh का बैटरी मिलता है। दोनों फोन्स में ही आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं अगले फोन की, जो कि है हमारा Realme X2 Snapdragon 730G के साथ 4000mAh बैटरी के साथ मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर आपको मिलता है PUBG अल्ट्रा फ्रेम रेट पे, और आपको अगर एक्सट्रीम फ्रेम रेट को अनलॉक करना है तो आपको GFX टूल का यूज करना पड़ेगा। अभी फाइनल फोन एंड दोस्तों लास्ट फोन के बारे में बात करेंगे तो Redmi Note 8 Pro, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे इस प्राइस पॉइंट पे। आपको MediaTek Helio G90T मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी मिलता है 4500mAh का, PUBG आप खेल सकते हो एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे, लिक्विड कूलिंग का भी टेक्नोलॉजी है। ये फोन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है इस प्राइस पॉइंट पे गेमिंग के लिए, और बाकी इसमें आपको काफी जबरदस्त स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। सो यही था दोस्तों आज के लिए, इनमें से किसी भी फोन को आप ले सकते हो, नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल मिलेगा, और प्राइसिंग के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन होगा आपके लिए। सो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।